हेलो राधे राधे। आज मैं आपको चीज़ का बीजा पराठा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने प्याज और शिमला मिर्च बारीक बारीक कट कर लिया। सब्जी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये चीज़ को कद्दूकस कर लिया है। अब चलिए बीजा पराठा बनाते हैं। आटा मैंने भिगो के रख लिया था। ये चिली फ्लेक्स है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं ये चीज लगा दूंगी इस पे। और शिमला मिर्च और प्याज गैस को कर दिया फुल। अब मैं घी लगा दूंगी। घी तेल जो भी आप खाना चाहें, मैं इस पे घी लगा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते, इस तरह पिज्जा पराठा बना के आप बच्चों को सब्जी खिला सकती हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। Gracias.
टेस्टी वाला पिज्जा पराठा बनके तैयार है। बहुत ही यम्मी यम्मी लुक आई है। अब मैं आपको दूसरे स्टाइल से पिज्जा पराठा बनाना सिखाऊंगी। इसको रख लेती हूँ साइड में, एक और बना लेती हूँ। इसमें लगा दूंगी चिल्ली फ्लेक्स। नमक और वेजिटेबल, और चीज, और ये पानी लेके रोटी के किनारे किनारे दोनों साइड से पानी लगा दें अच्छे से। और जो ये रोटी पहले बनाई थी उसको इसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से उठाएं। और गैस को कर दिया फुल मैंने। एक साइड से सूख चुका है ये पिज्जा पराठा। अब इसको मैं पलट दूंगी। बहुत ही टेस्टी बना है क्योंकि सब्जी भी इसमें मैंने ज़्यादा भर दी थी। अब इस पर मैं घी लगा दूंगी। Thank you.
किनारे इसलिए दबा रही हूँ क्योंकि हाँ पानी लगा के इसको चिपकाया था ताकि कच्चा ना रहे यहाँ से। इसको कर दिया बंद। अब ये बहुत ही टेस्टी वाला पराठा बनके तैयार हुआ है। चलिए अब मैं कट करके दिखा देती हूँ कैसे दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी वाला पिज्जा बना है। गरम है बहुत। ये देखना कितना अच्छा स्टफ बना गया है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है पराठा। एक बार आप भी ऐसे जरूर ट्राई करें। बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाते हैं। बहुत ही यम्मी लग रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म भी है। सब्जी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। और एक पराठा ये बना था। ये यम्मी वाला पिज्जा पराठा बनके तैयार है। आप भी खाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है। आप सब्ज़ी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, टी टाइम स्नैक्स बहुत ही टेस्टी है। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते उनको ये बना के आप खिला सकते हैं। सब वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। आप भी खाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी या नए आइडिया के साथ। राधे राधे।